नमस्ते, मैं हूं गिरीश राम शिंदे और आज के इस रेफरेंशियल साइकिल के टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग जो रेफरेंशियल साइकिल है उसको सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको रेफरेंशियल साइकिल जो है उसको याद करने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे कि आप आसानी से रेफरेंशियल साइकिल को याद रख सकते हैं। तो स्पेशली स्टूडेंट ये जो वीडियो होगा स्टूडेंट्स के लिए होगा, और किस तरीके से वो याद रख सकते हैं रेफरेंशियल साइकिल को इसको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो आपको एक सर्कल बनाना है, एक बड़ा सा सर्कल आप बना सकते हो, इतना याद रहेगा सबको। क्योंकि ना एक क्वेश्चन कई बार जो ओरल एग्जाम्स होती है, वाइवा होती है, या फिर इंटरव्यूज में पूछे जाती है ये सवाल, और काफी सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है इसको एक्सप्लेन करने में। तो सबसे पहले सर्कल बनाइए और उस सर्कल में और चार सर्कल बनाइए, ठीक है? इतना कर सकते हैं आसानी से। फिर हमें कुछ यहाँ पे लेटर्स याद रखने हैं, जैसे कि यहाँ पे आप सी लिख दीजिए, यहाँ पे सी लिख दीजिए, सी सी याद रख सकते हैं, देन यहाँ पे ई लिख दीजिए और यहाँ पे ई लिख दीजिए। याद रहने में काफी सिंपल है। देखो क्या करना है, बड़ा सर्कल, फिर छोटे चार सर्कल उसके अंदर, सी सी ई ई, ओके, इतना ही करना है आपको। देन इसको हम एक्सपांड करेंगे। सी जो है, सी क्या हो गया, कॉम्प्रेसर, सी स्टैंड फॉर कॉम्प्रेसर। बाद में ए जो सी है, ए क्या होगा आपका, कंडेंसर, ठीक है? ए जो ई है इसको हम एक्सपांशन वॉल कर देंगे, ठीक है? और यहां पे जो ई है ये आपका इवापरेटर हो जाएगा, ओके? तो इस तरीके से हमने चारों पार्ट जो है इसको यहाँ पे इसके नाम यहाँ पे लिख दिए, ओके? उसके बाद में एरो बना दीजिए, क्लॉकवाइज एरो, ये रेफ्रिजरेंट का फ्लो होगा। तो आपको फ्लो समझाने में यहाँ पे इजी हो जाएगा, मतलब कंप्रेसर से रेफ्रिजरेंट कहाँ पे चला जाता है, कंडेंसर में, कंडेंसर से कहाँ पे जाता है, एक्सपांशन डिवाइस में, एक्सपांशन डिवाइस से कहाँ पे जाता है, इवापरेटर में, और इवापरेटर से फिर से कंप्रेसर में चला जाता है, ओके? इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद में यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ऐसे ना दो लाइंस बना दीजिए और ऐसे एरो बना दीजिए, यहाँ पे एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, एक ऐसे यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे हो गया, ऐसे चार एरो बना लिए, ओके? अब इसका फंक्शन मैं बताऊंगा। ये जो एरो ऊपर जा रहा है ना यहाँ पे, ये भी इजी है ना, चार एरो ऐसे बनाना। ये जो एरो ऊपर जा रहा है इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। कंप्रेसर का फंक्शन क्या है, वो प्रेशर को इंक्रीज करता है। ये जो एरो है ये कंप्रेसर के प्रेशर को डिनोट करता है। मैं यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ, प्रेशर, ओके? ये जो है ना, ये एरो ये कंडेंसर के बाहर जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, हीट को बाहर भेज रहा है। ये एरो क्या बता रहा है, हीट बाहर चली गई, ठीक है? और एक्सपांशन डिवाइस, एक्सपांशन डिवाइस का फंक्शन क्या है, ये एरो नीचे दिखा रहा है, तो ये जो है एरो नीचे है मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, ओके? और यहाँ पे इवापरेटर में एरो है ना, तो ये क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ओके? ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब, इवापरेटर के अंदर जा रही है, एब्जॉर्ब मतलब खींच रहा है। तो इसको याद रखना सिंपल है। देखो कैसे याद रखेंगे, ये जो दोनों डिवाइसेस है, कंप्रेसर और जो एक्सपांशन डिवाइस है, कंप्रेसर और एक्सपांशन डिवाइस एक प्रेशर को बढ़ाता है। तो एरो तो है यहाँ पे, ओके? एरो ऊपर है मतलब प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ पे एरो नीचे है मतलब प्रेशर घट रहा है। कंडेंसर क्या कर रहा है, हीट को बाहर निकाल रहा है, ये जो एरो ना बाहर की तरफ, तो हीट बाहर निकल के चली गई। और इवापरेटर जो हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो हम यहाँ पे बताएंगे इवापरेटर ने हीट एब्जॉर्ब कर ली। तो इस तरीके से अगर आपको रेफ्रेशर साइकिल याद नहीं है तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, डायग्राम बना के जो है मैंने तरीका बताया, सी सी ई याद रखने के लिए सिंपल है, ऐसे एरोज बना दो, और यहाँ पे ये जो कंप्रेसर कंडेंसर, सॉरी कंप्रेसर और जो एक्सपांशन डिवाइस है ये किस तरीके से कंप्रेसर प्रेशर बढ़ाता है, एरो देख के आप बता सकते हो, और किस तरीके से यहाँ पे एक्सपांशन डिवाइस प्रेशर कम करता है ये एरो देख के आप बता सकते हो। तो आपको एक हेल्प मिल जाएगी इस डायग्राम के द्वारा। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये डायग्राम आप एग्जाम में ड्रॉ करो या इंटरव्यूज के टाइम में ड्रॉ करो, लेकिन ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होता है तो आप ना रफ पेज जो होगा, रफ पेज में ऐसे
सर्कल बना के ये सारे जो है यहाँ पे लिख दो, तो आपको हेल्प मिलेगी रेफ्रेशन साइकिल को याद करने में। और ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक बार आपके पास में आ जाएगा तो इससे फिर आप एक्सपांशन जो पूरा जो रेफ्रेशन साइकिल है उसको बेटर तरीके से जो है नोट डाउन कर सकते हो, लिख सकते हो एग्जाम में या फिर बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, वीडियो देखने।